Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. And once again, we are into our technical terms. And today's our technical term is from hardware segment and it is CD-ROM. Right, CD-ROM stands for Compact Disc Read-Only Memory. A CD-ROM is a CD that can be read by a computer with an optical drive. ठीक है, राइट. सीडी रोम क्या होता था? वो जो है सीडी को रीड कर पाता था. सीडी रोम में हम सीडी को रीड कर पाते थे ऑप्टिकल ड्राइव के माध्यम से. ओके, द रोम पार्ट ऑफ द टर्म मींस द डेटा ऑन द डिस्क इज रीड ओनली. ठीक है, रोम का जो फुल फॉर्म होता था कि वो जो सीडी है उसमें जो डेटा है वो सिर्फ रीड ओनली है, मतलब सिर्फ हम पढ़ सकते और कैन नॉट अल्टर्ड और इरेज्ड. इसका मतलब ये भी है कि उसके अंदर जो डेटा है हम उसे कोई अल्टरेशन या फिर इरेज नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स एंड देयर लार्ज कैपेसिटी, ठीक है, उसके फीचर की वजह से, उसके लार्ज कैपेसिटी की वजह से सी डी रोम्स आर अ ग्रेट मीडिया फॉर्मेट फॉर रिटेल सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर को रिटेल में बेचने के लिए ये सी डी रोम जो है बहुत काम करता था. द फर्स्ट सी डी रोम्स कुड होल्ड अबाउट 600 MB ऑफ डेटा. जो पहला सी डी रोम जो था उसमें 600 MB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते थे. बट नाउ दे कैन हेल्ड अप टू 700 MB. लेकिन उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी है उसमें 700 MB तक का डेटा जो है उसमें डाला जा सकता था. सी डी रोम शेयर द सेम टेक्नोलॉजी हैज ऑडियो सी डीज. सी डी रोम जो है जैसे ऑडियो सी डीज बनते थे उसी तरीके के टेक्नोलॉजी पे वो भी बनाया गया है. बट दे आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली. लेकिन उसको जो उसका जो फॉर्मेट होता है वो एक अलग तरीके का फॉर्मेटिंग किया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे. अलाउिंग देम टू स्टोर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा. और उससे क्या होता था कि वो अलग फॉर्मेट होने से बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटा को वहां पर स्टोर किया जा सकता था. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सी डी रोम. Keep coming, keep learning. All the best.